जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की दाम इतनी अधिक तेजी से बढ़ रही है कि लोग अब अधिकतर इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी बैटरी से चलने वाली जो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या कार है, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और भारत सरकार भी इस पर नज़र बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कदम भी उठा रहा है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से अधिक है और कई राज्यों में 100 रुपये की आंकड़ा छूने वाले भी है। वही डीजल की बात करें तो डीजल के 90 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति लीटर के बीच में है। इसलिए ये बढ़ती हुई तेलों के दामों को देखते हुए लोग जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रुख कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए भारत के केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री और राजमंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवहन मंत्री जी के द्वारा कौन से बड़ी ऐलान किया गया है और उस ऐलान से आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नितिन गडकरी जो भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की कीमत जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी बराबर हो जाएगी। यानी अभी दोस्तों है क्या कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी कीमत पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से लगभग 1.5 गुना अधिक है। इसी को देखते हुए लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार या गाड़ियां खरीदने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और इनको बराबर करने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों की दाम बराबर हो जाएंगे। वो केवल कार ही नहीं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सभी जो है एक बराबर हो जाएगी। ई रिक्शा तो ऑलरेडी पहले से ही बैटरी से ही है। जो मोटरसाइकिल या कार जो है जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं, अब उसको बैटरी में लाने के लिए उसकी दाम जो होगी बराबर हो जाएगी। मैं ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि आपके मन पसंद की गाड़ी इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेगी, कुछ गाड़ी ही है जो इलेक्ट्रिक में आई हुई है। अगर आपकी पसंदीदा गाड़ी ओडी है तो ओडी आपको इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेगा, थार आपको इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेगा, सफारी आपको इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेगा, कुछ गाड़ी ही है जो इलेक्ट्रिक में आई हुई है। उसके बारे में ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन से भी उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी इलेक्ट्रिक में आई हुई है। अब सरकार जो है इस पर भी कदम उठा रही है कि जितनी तरह की मार्केट में अभी गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए, इलेक्ट्रिक में बदला जाए, क्योंकि सभी गाड़ी अभी इलेक्ट्रिक में है नहीं। लोगों की अलग अलग पसंद होती है, किसी को कोई गाड़ी पसंद आता है, किसी को कोई गाड़ी पसंद आता है, और उस पसंद में इलेक्ट्रिक कार ना होने की वजह से वो पेट्रोल और डीजल की कारें खरीद लेती हैं। इसलिए सरकार जो है सभी तरह की गाड़ी पेट्रोल डीजल में भी हो और सभी तरह की गाड़ी इलेक्ट्रिक में भी हो, इस पर भी सरकार काम कर रही है। फिलहाल सरकार ये कह रही है कि दोनों तरह के गाड़ियों के दाम 1 साल के अंदर बराबर हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरी तरह से रोड पे चलने लगेगी तो खासकर शहरी क्षेत्रों में 22% प्रदूषण स्तर कम हो जाएगा। सरकार इसके पीछे का कारण बता रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे दाम इसकी कम होगी। इसके पीछे का सरकार कारण बताया है कि लिथियम आयन से बैटरी जो बनती है उसकी लागत कम हो गई है। इस तरह जितने भी ऑप्शन अपनाए जाएंगे जिससे इलेक्ट्रिक की जो लागत है, गाड़ियों की जो लागत है वो कम होगी और उसके जरिए पूरी तरह से गाड़ियों की दाम कम किया जाएगा। वो सोडियम आयन, एल्युमिनियम आयन, जिंक आयन, इन सबके मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी दामें कम होंगी, उसकी लागत कम होगी और उस लागत की वजह से इस पूरी गाड़ी का दाम कम हो जाएगा, जिससे पेट्रोल और डीजल के गाड़ियों के दाम के बराबर आ जाएगा। दोस्तों भारत में पहला हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी भी आ चुकी है। इसके बारे में भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसमें मैं बताया हूं कि किसके पास भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी आई है, उसका
इसका क्या दाम है और कहां से वो गाड़ी लाई गई है, इसके बारे में भी चैनल पर वीडियो अपलोड है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जाकर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन से कैसे गाड़ी चलती है और उसका दाम कितना है और किस व्यक्ति के पास अभी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी है, जो भारत में केवल एक ही व्यक्ति के पास है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।